दृष्टि आईएएस के डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में चर्चा का विषय है मिड डे मील की राशि सीधा बच्चों के खातों में। केंद्र ने कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए मिड डे मील यानी MDM योजना के तहत पैसे सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार इसे वन टाइम कोविड राहत के रूप में देख रही है। देश भर में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल पिछले कई महीनों से महामारी के कारण बंद है। इसके चलते बच्चे दैनिक रूप से मिलने वाले गर्म पके हुए भोजन से वंचित हो गए हैं, जो उन्हें MDM योजना के तहत प्रदान किया जाता था। यह निर्णय बच्चों के पोषण स्तर को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। इस चुनौतीपूर्ण महामारी के समय में उनकी प्रतिरक्षा को प्रोटेक्ट करने में सहायता करेगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार लगभग 118 मिलियन बच्चे वन टाइम कोविड राहत के पात्र होंगे। इस वितरण में केंद्र को लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। मिड डे मील कार्यक्रम को एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 1995 को लॉन्च किया गया था। पिछले साल कोविड-19 की पहली लहर के दौरान केंद्र ने मिड डे मील की लागत का अपना हिस्सा राज्यों को हस्तांतरित कर दिया था।